अच्छा जी, अब मैं ये यूजर्स को से को वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ कि जो वैल्यूज़ हैं वो यूज़र को डिस्प्ले करवाएं। तो जो वैल्यूज सेट करने के लिए इनपुट करने के लिए तरीका था कि मैं दो फॉर लूप चलाऊं, एक रॉस को देखे एक कॉलम्स को देखे, बाहर वाला रॉस को अंदर वाला कॉलम्स को, और मैं वैल्यूज़ को एक्सेस कर लूँ, इंडेक्सेस को एक्सेस कर लूँ। सिर्फ स्टेटमेंट क्या चेंज होगी, सिर्फ सी आउट वहाँ पर था सी इन, हमने जो इनपुट के लिए देखा था इससे पहले प्रोग्राम उसमें सिर्फ था सी इन प्रोग्राम, बाकी सारा यही है। रॉस और कॉलम के लिए लूप चलाए, इंडेक्सेस को एक्सेस किया, यहाँ पे सिंपल क्या है सी आउट, काम तो वही कर रहे हैं, एरे के इंडेक्सेस को एक्सेस कर रहे हैं। जब आई जीरो था अंदर आया, जे को जीरो किया, जीरो जीरो वाली वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। पहले जे पूरा होगा वो प्लस प्लस होकर वन होगा, तो फिर जीरो और जीरो वन इंडेक्स पूरा होगा, फिर जे प्लस प्लस होकर टू होगा, लूप ब्रेक हो जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर वाले को प्लस प्लस करेगा, आई वन हो जाएगा, तो फर्स्ट रॉ में चला जाएगा, जे को फिर से जीरो करेगा, फर्स्ट रॉ का जीरो इंडेक्स, फर्स्ट रॉ का जीरो कॉलम, जैसे ये है फर्स्ट रॉ जीरो कॉलम, ऐसे एक्सेस करके डिस्प्ले करेगा। तो अगर आपको इनपुट सही से समझ में आगे लेना, तो आपको आउटपुट भी डिस्प्ले करवाना आराम से आ जाएगा। इनपुट वाली वीडियो को लाजमी पहले देखें, उसके बाद आउटपुट वाली वीडियो को देखें, तो आपको क्लियर हो जाएगा। कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि कैसे इंडेक्स एक्सेस हुए, वीडियो को सेकेंड टाइम देखें, थर्ड टाइम देखें, मेरा नहीं ख्याल कि तीसरी बार देखने की जरूरत पड़ेगी, सेकेंड टाइम में आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो है जी इनपुट लेना, आउटपुट डिस्प्ले करना। यहाँ भी नीचे एक ऐसी छोटी सी एग्जाम्पल दी हुई है कि लाजमी नहीं है कि रॉज और कॉलम हमेशा सेम ही हो, रॉज और कॉलम अलग भी हो सकते हैं, अलग होंगे। लेट सपोज दो रॉज हैं, तो ये रॉ जीरो है, ये रॉ वन है, ये कॉलम जीरो है, ये कॉलम वन, ये कॉलम टू, रॉ जीरो कॉलम जीरो, रॉ जीरो कॉलम वन, रॉ जीरो कॉलम टू, रॉ वन कॉलम जीरो, रॉ वन कॉलम वन, रॉ वन कॉलम टू, ये जीरो और वन कॉलम है, ये जीरो वन टू, सॉरी ये जीरो और वन रॉज हैं, ये जीरो वन टू कॉलम्स हैं। अब जब मैं फॉर लूप लिखूंगी, आउटर हमेशा रॉस के लिए होता है, तो जितना रॉ का साइज था लेस देन टू कॉल, रॉ वाला लूप चला दें, थ्री कॉलम्स हैं तो लेस देन थ्री, क्योंकि जीरो वन टू तीन हो जाएगा, लेस देन थ्री आप इसका चला दें। अंदर स्टेटमेंट वही है सी इन या सी आउट की, सिर्फ लूप में कंडीशन इंडेक्सेस के लिए चेंज हो जाएगी। वो पहले सिर्फ टू तक जा रहा था, टू बाय टू का था, अब कॉलम चूंकि तीन है तो इनर लूप थ्री तक जा रहा है। थ्री तक जाने का मतलब है जीरो वन टू तक जा रहा है, जीरो वन टू, जीरो को भी काउंट करेंगे तो तीन हो जाएगा। ये हमने 2DRA को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसमें इनपुट कैसे लेते हैं, उसको सी आउट कैसे करते हैं। अब मैं इसमें कुछ प्लस माइनस करूं, तो मैथमेटिकल ऑपरेटर तो वही है प्लस माइनस। एक्सेस मेन करना अगर आपको आ गया है कि रॉ और कॉलम को कैसे एक्सेस करना है, तो बाकी सारा कॉन्सेप्ट तो वही सिंगल, जो ऑपरेशन है वो तो वैसे ही होंगे। आपने दो वैल्यूज को प्लस करना है, जीरो जीरो वाली को प्लस करना है तो जीरो जीरो लिख के प्लस कर लें, उसे प्लस कर दें वन वन वाली में। एक्सेस करना आ गया तो आपको 2DRA डील करना आ जाएगी। ये था इसमें वैल्यू को डिस्प्ले भी करवाना, इनपुट लेना, यहाँ तक ये इतनी बात क्लियर है कि डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं डेटा को उसके।